लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में रविवार का दिन यहां के लोगों के लिए बेहद खास रहा। खास इसलिए भी था कि आमतौर पर पुलिस को लोग दूसरी ही नजर से देखते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां पुलिस तो जरूर थी, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि गोमती नगर विस्तार वासियों की समस्या सुनने के लिए। हुआ भी यही, एक एक कर लोगों ने अपनी समस्या बताई तो कई लोगों ने अपराध को कंट्रोल करने के सुझाव भी दिए। हम लोग जब जा रहे होते हैं तो अब और जल्दी अंधेरा होने लगा है। लेडी की बात है जिनको घर से उनके हस्बैंड निकाल रहे थे, एंड वो मुहिम चल रही थी बहुत, मतलब 8 महीनों से उनकी मुहिम चल रही थी इस पर, तो फाइनली वो कामयाब हो गए। तो उसे उस कामयाबी जो उनको मिली उससे पहले ही हम चाह रहे थे कि पुलिस कंप्लेन हो जाए। पुलिस अधिकारियों ने भी बड़े ध्यान से इनकी समस्याओं को सुना और उस पर अमल करने की बात कही। इस बीच अपराध से जुड़े एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शीला मिश्रा के नेतृत्व में उनके स्टूडेंट्स ने उम्दा किरदार निभाया। हम एक नया, एक कोई बच्चा छोटू हो या मानसी हो, कोई भी आगे चल के बाल श्रम पे नहीं जाएंगे, उसको स्कूल पे भेजेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। दरअसल मौका था लखनऊ जन कल्याण महासमिति की ओर से आयोजित पुलिस एवं जन सामान्य संवाद कार्यक्रम का। आयोजन के माध्यम से गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के रहने वालों ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों से खुलकर अपनी बातों को साझा किया। एक घटना हुई थी एक अपार्टमेंट में, यानी कि उस अपार्टमेंट में कुत्ते को लेकर के विवाद हुआ था। एक स्ट्रे डॉग था, उस स्ट्रे डॉग को यहाँ पे कुछ लोग उसमें उनका वो रहता था कि कुत्तों को ना भेजा जाए कहीं, कहीं ऐसा जगह ना ले जाया जाए, वो बाकायदे इस पूरे अपार्टमेंट को गंदा करते थे। तो प्लीज उसको, चूंकि लीगल है और मतलब उसको हटवा दिया जाए। दूसरी एक इशू है कि लक्ष्मी मार्केट चूंकि बड़ा कंजेस्टेड होता है, अगर हम मार्केट से आते हैं या रेलवे लाइन से आते हैं, शाम को अक्सर वहां जाम होते हैं, तो वहां पे लक्ष्मी मार्केट और रेलवे लाइन के किनारे को वन वे कर दिया जाए। अगर लक्ष्मी आने वाले लोग रेलवे लाइन के किनारे से आए और जाने वाले लोग लक्ष्मी मार्केट से निकल। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी विस्तारवासियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना और जल्द ही उस पर अमल करने की बात कही। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भी जन कल्याण महासमिति की ओर से आयोजित मंच के माध्यम से गोमती नगर विस्तार में रहने वालों को बताया कि सरकार ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी पहल की है। इसमें सरकार की सबसे बड़ी पहल है मिशन शक्ति। इसको एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके तहत थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर पीड़ित किसी भी महिला की समस्या को सुनने और त्वरित समाधान के लिए महिला पुलिसकर्मियों की ही तैनाती की गई। महिला डेस्क की एक और खास बात यह है कि यहां 24 घंटे चलने वाली डेस्क में शिफ्ट के हिसाब से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ऐसा इसलिए है कि पहले पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। कभी कभी पीड़ित महिला पुरुष पुलिस अधिकारियों से अपनी समस्या को साझा नहीं कर पाती थी। इसी समस्या को देखते हुए मिशन शक्ति के तहत थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है। जो डिफरेंस है इसको हम कायम रखेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को भी सेफ बना पाएंगे, हम अपनी परंपराओं को भी, संस्कृति को भी संरक्षित रख पाएंगे और जो भी सरकार की योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं उसको भी सफल बना पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस गोष्ठी के बाद हम और आपस में जुड़ेंगे। कई लोग यहाँ परिचित हैं मेरे, सब लोग जानते भी हैं। ADCP पूर्वी SM कासिम ने बताया कि महिला की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति अभियान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अभियान के तहत थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर पीड़ित महिला की समस्या सुनना और उनका समाधान करना पुलिस की प्राथमिकता होती है। देखा होगा कि महिला की सुरक्षा और उनका सम्मान, ये दो पिलर्स है जिसके बेसिस पर ये मिशन शक्ति चालू किया गया है। और आप थानों में जाएंगे देखेंगे तो आपको एक सकारात्मक एक चेंज मिलेगा, जिसमें कि महिला हेल्प डेस्क है जो स्पेशली जो विमेन रिलेटेड जो ऑफेंसेज है, जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए एक अलग से 24 घंटे की शिफ्ट है उनकी, 12-12 घंटे में दो दो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे IPS अधिकारी SM कासिम ने बताया कि अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने अपने सुझाव दिए। कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। सभी के सुझावों और समस्याओं को नोट किया गया है, जल्द ही इनका समाधान किया जाएगा। ADCP पूर्वी ने बताया कि चिन्हित हॉट स्पॉट और पार्कों में सुबह शाम पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। 4-wheeler और 100 2-wheelers
वो पूरे लखनऊ कमिश्नरेट को मिली और वो तमाम आप देखते होंगे जा रही है पिंक स्कूटीज में महिला जो है वो जा रही हैं और हॉटस्पॉट्स जिन जगहों पर महिलाएं पहले असुरक्षित महसूस करती थी, आज इस पहल की वजह से आज वहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और कोई भी इस तरह की यदि हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाता है। लखनऊ जन कल्याण महासमिति की ओर से गोमती नगर विस्तार स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में आयोजित पुलिस एवं जन सामान्य संवाद के सफल आयोजन से लोग बेहद खुश नजर आए। खुशी इसलिए भी थी कि लोगों को न सिर्फ अपनी समस्याओं को पुलिस से साझा करने का एक मंच मिला बल्कि मंच के जरिए पुलिस को क्राइम कंट्रोल करने के जरूरी सुझाव भी दिए। इस दौरान कार्यक्रम में लखनऊ जन कल्याण महासमिति के पदाधिकारियों के साथ ही ACP गोमती नगर श्वेता श्रीवास्तव और गोमती नगर विस्तार थाना प्रभारी अखिलेश चंद पांडे समेत तमाम आम और खास लोग मौजूद रहे। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज लखनऊ।